फाइनली एनिमल मूवी का टीजर रिलीज हो गया है रणवीर सिंह की अपकमिंग नई मूवी का। और टीजर 2.5 मिनट का टीजर थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि अगर टीजर 2.5 मिनट का हो सकता है तो ट्रेलर सोचो कितना मिनट का आएगा, मतलब 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, मतलब वो बहुत ज़्यादा। छोड़ो, उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। फाइनली एनिमल मूवी का जो टीजर रिलीज हुआ है उसमें हमको लीड रोल में रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल दिखने वाले हैं। और हर किसी का वो, चाहे रणवीर कपूर का लुक ले लो या रश्मिका मंदाना का लुक ले लो, और इसमें एकदम खतरनाक लुक जो दिखने वाला है वो बॉबी देओल का इसमें दिखने वाला है। क्योंकि मुझे पूरे ट्रेलर में जो बांध के रखा कि बॉबी देओल का लुक अब आएगा, क्योंकि कोई कई सारे ट्रेलर ऐसे रिलीज हुए, जैसे कल टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ लेकिन उसमें विलन रिवील नहीं किया गया है, लेकिन एनिमल मूवी में विलन का थोड़ा सा रिवील किया, मतलब जो विलन का रोल बॉबी देओल करने वाले हैं वो एक अलग लेवल का रोल होने वाला है। मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में बॉबी देओल की क्या एक्टिंग की अहमियत है वो इस मूवी से दिखने वाली है। उनका जो थोड़ा सा वो लुक दिखाया गया है ना, लास्ट में थोड़ी सी क्लिप दिखाई गई है, बॉबी देओल का जो एक लुक दिखा है वो एक अलग लेवल का है। बात करें वही इस मूवी की, तो ये गैंगस्टर थ्रिलर के जॉनर में आने वाली मूवी है। और इस मूवी में जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर होने वाला है ये एक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत बड़ी सीधी सादी फैमिली का एक बिगड़ा हुआ बेटा गैंगस्टर की राह पे चल जाता है। वो जो रोल निभाने वाले हैं उसमें रणवीर सिंह दिखने वाले हैं। उसके फादर का रोल जो कि अनिल कपूर जी किए हुए हैं वो भी एक अलग लुक में दिख रहे हैं। और इसमें जो कैरेक्टर का रोल दिख रहा है कि रणवीर कपूर के हाथ एक बहुत बड़ी गन लग जाती है, तो उससे जो सामने वाले विलन्स होते हैं वो सारे अपने आप में डर जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं। और फिर गोलियों की बारिश ऐसी होती है कि इस मूवी में आपको लास्ट में दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह को उसमें गोलियों से छली किया हुआ दिखाया जाता है। मतलब क्या है ये, क्लाइमैक्स के बाद का हो सकता है या कुछ हो सकता है, पता नहीं, ये तो हमको मूवी में ही दिखेगा या ट्रेलर आने के बाद कुछ रिवील किया जा सकता है। क्योंकि रणवीर सिंह को मूवी में अगर मर जाए रणवीर सिंह का कैरेक्टर तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन देखते हैं आगे इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन वही बात किया जाए, इस मूवी की डायरेक्ट जो किए हैं वो संदीप रेड्डी वांगा जी इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं, जो कि इससे पहले उन्होंने कबीर सिंह अर्जुन रेड्डी को डायरेक्ट किया, जो कि कितनी अच्छी मूवी अगर आपने देखी है तो आपको खुद पता होगा। वहीं इस कास्टिंग की बात करें तो इसमें लीड रोल में रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल दिखने वाले हैं। और काफ़ी सारी कास्टिंग इसमें अच्छी है। तो मूवी का टीजर फाइनली रिलीज हो गया है। मूवी को रिलीज़ होने में काफ़ी टाइम है, अभी 1 दिसंबर को मूवी रिलीज़ होने वाली है, तो काफ़ी टाइम है इस मूवी को रिलीज़ होने में। लेकिन टीजर का जो रिस्पॉन्स है, टीजर अपने आप में जो बांध के रखता है वो एक अलग लेवल का है। मतलब टीजर देखते टाइम 1 मिनट का नहीं होता है कि टीजर के अंदर घुसने के बाद उसमें कैसे बाहर निकले, मतलब टीजर ख़त्म होता है तो एक शॉकिंग सा लग जाता है कि वाओ क्या अच्छा टीजर था। मतलब टीजर बहुत अच्छा था, टीजर देखने के बाद मूवी देखने की और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं। तो मूवी जितनी जल्दी रिलीज होगी थिएटर में जाके एक बार वीडियो का रिव्यू, फुल वीडियो का रिव्यू जरूर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।